गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब मजे में होंगे। सो आज के वीडियो का टाइटल और थंबनेल ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। आज की वीडियो होने वाली है फेस्टिव स्पेशल, जिसमें मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स अंडर 300 रुपीज। सो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने पिक किए हैं सारे ही अंडर 300 रुपीज या उससे कम के आपको मिल जाएंगे। सो स्किन केयर भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि जब तक आप स्किन केयर नहीं करोगे तो मेकअप कहाँ से अच्छा जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूँ, जब तक आपका स्किन केयर अच्छा नहीं होगा तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी कि दी मेकअप फट रहा है, फेस पे क्रैक्स आ रहे हैं। आप जैसे बोलते हो कि आपका मेकअप इतना लॉन्ग लास्टिंग रह गया, हमारा नहीं रहता है, तो स्किन केयर करना स्टार्ट कर दो, ट्रस्ट में आपका मेकअप कहीं नहीं जाने वाला। सो या गाइस यहाँ पर मैंने सारे प्रोडक्ट्स ले लिए हैं, एक एक करके मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। और क्या आप देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, अपनी फरमाइश मुझे बताइए और कमेंट्स कर दीजिए, तो जल्दी से जल्दी मैं वो वीडियो आप सबके साथ शेयर करूंगी। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टिंग द वीडियो। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ टोनर से। टोनर मैंने गुड वाइब्स का पिक किया है, जो कि रोज ग्लो टोनर है। तो गाइस ये आपके फेस पे एक इंस्टेंटली ग्लो देगा और मैं पर्सनली इसे बहुत यूज करती हूँ। हर चीज के लिंक्स बाय द वे आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये गुड वाइब्स का टोनर है, जो कि बहुत ही अच्छे से देखो इस तरीके से आपको स्प्रे करना है, पैट पैट करके आपको स्किन में ड्राई करना है, इसको लाइक सेट करना है और जस्ट सेकेंड्स में आपकी स्किन में चला जाएगा और आपकी स्किन को इंस्टेंटली ग्लो प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पे मेरी स्किन जो सूखी सूखी थी वो अब थोड़ी सी उसमें जान आ गई है। सो फॉर मॉइस्चराइजर मैंने यहाँ पे पिक किए हैं ये दो मॉइस्चराइजर, जो कि फर्स्ट वन इज लैक्मे का ये पीच मिल्क है। तो गाइज ये डब मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सेल चल रही है, आपको और भी सस्ता मिल जाएगा, मैंने भी इसका रीऑर्डर कर दिया है। ये बहुत लाइट है, आपके स्किन पे फील नहीं होगा कि आपने कुछ भी अप्लाई कर रखा है, ठीक है। इसके बाद आता है पॉन्ड्स का ये सुपर लाइट जेल, अगेन ये बहुत ज्यादा लाइट है और ये भी आपकी स्किन को बिल्कुल भी फील नहीं होगा। दिस इज माय रीपर्चेज लाइक प्रोडक्ट, तो मैं इनको बहुत यूज करती हूँ, तो मैं करूंगी। ये दो मॉइस्चराइजर आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से आता है वो, थोड़ा सा यू नो पीच से कलर में आता है, ये ब्लू कलर में। और देखो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, दोनों सेम वर्क करती हैं। और यहाँ से मैंने इसको अप्लाई किया एंड यू कैन सी द डिफरेंस, दिख रहा है। अगर आप स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करोगे ना तो ये हाल होता है, सोचो इस पे आप मेकअप करोगे तो आपका मेकअप कहाँ से टिकेगा, ठीक है गाइस। और स्मेल्स अमेजिंग, लाइक दोनों की स्मेल्स बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैंने एक चीज पिक नहीं की, एक्चुअली मैं परफ्यूम लेना भूल गई हूँ, तो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड तक मैं ले आऊंगी। ओके सो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया से प्राइमर से। सो यहाँ पर मेरे पास स्विस ब्यूटी का ये प्राइमर है गाइज, दिस इज अमेजिंग। इट्स अ हाईलाइटनिंग प्राइमर, आई डोंट नो, फोकस नहीं हो रहा शायद, तो इट्स अ हाईलाइटनिंग प्राइमर, मॉइस्चराइज भी करता है और हाईलाइट भी करता है। यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई किया एंड यू कैन सी द ग्लो, यार बहुत सही रेट में मिल रहा है, ये अभी जाके चेकआउट जरूर करना और इसको तो परचेज करके मेरे को बताना जरूर गाइस। अगर आपको मेरी किट पसंद आती है देन प्लीज अप्रिशिएट करना वीडियो को। ओके सो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बीबी क्रीम ली है, इट्स अ पॉन्ड्स की बीबी प्लस क्रीम, माय शेड इज लाइट। एंड अभी ये जो लुक मैंने कर रखा है ना, मैंने इस बीबी क्रीम को यूज करके किया था और राइट नाउ मेरे को अभी 4-5 घंटे हो चुके हैं। हाँ मैं करीबन 12 बजे से शूट कर रही हूँ और 5 बजने वाले हैं सी, और मेरा मेकअप कहीं से भी इधर उधर नहीं हुआ है, ना मैंने सेट किया है, तो जाके वो वीडियो जरूर चेक कर लेना, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। सो ये आप यूज कर सकते हो क्योंकि ये काफी अच्छी कवरेज देती है। कैसे देती है थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, तो यहाँ पे देखो जस्ट हल्का सा एक डॉट मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो सारी चीज़ों को मैं अप्लाई करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यार मेहनत की कमाई होती है, हर किसी के लिए मतलब पैसा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं नहीं चाहती आपका पैसा किसी भी चीज़ में वेस्ट हो, ठीक है। आपको अच्छे से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बोलूँगी कि बहुत हैवी कवरेज नहीं देता है लेकिन लाइट कवरेज देता है, 2 बार में आप इसको लगाओगे तो काफ़ी अच्छी खासी कवरेज मिल जाएगी आपको। और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से मेकअप करना है, वो वीडियो जाके देखनी है तो आपका मेकअप भी स्टे रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये मैंने अप्लाई कर लिया। फाउंडेशन मैंने यहाँ पे पिक किया है स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज फाउंडेशन, माई शेड इस इसमें मैंने 02 रोजी ब्लश ले रखा है, जो कि मेरी स्किन से बहुत ज़्यादा लाइट है, लेकिन मैं इसको कभी कभी यूज़ करती हूँ कि इसे डार्क फाउंडेशन होता है ना मेरा कोई भी, उसमें मिला लेती हूँ। तो आपको इसका 01 लेना है, नेचुरल कुछ करके शेड है वो, तो ये तो मेरी स्किन पर बहुत लाइट हो जाता है, देखो यहाँ से भी आपको दिख रहा है। एंड गाइज इट्स अ हाई कवरेज फाउंडेशन, यस जैसा कि ये क्लेम कर रहे हैं ना,
यस ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, इससे बहुत ही इजिली ब्लेंड आउट हो जाता है, काफ़ी अच्छी कवरेज देता है। देखो मेरे टैटू को भी इसने काफ़ी लाइटन कर दिया एक हद तक, तो यहाँ से देखो बहुत सुंदर है यार ये। तो ये वाला फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली ना मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया था और वो मेरा मिल नहीं रहा, तो फॉर कॉम्पैक्ट पाउडर मैं आपको बता दूं, मैंने NYBA का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया था जो कि मेरा वहाँ पे रह गया है, तो ठीक है वो काफ़ी अच्छा पाउडर, मैं लिंक डाल दूंगी उसका। तो इसके बाद मेरे पास है यहाँ पे ये स्टे क्विके का पाउडर, तो यहाँ पे ये जो है ना यार, ये मेरा डार्क शेड आ गया था, तो इसे एज यू नो कॉन्टोर के लिए मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि इट्स अ परफेक्टली कॉन्टोर वाला शेड जो कि मेरे फेस पे बहुत सही वाला जाता है। तो यस मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको भी करना है तो कैपेचिनो जेल 6 शेड है इसमें मेरा, एंड इसका लाइट शेड भी ले सकते हो फॉर कॉम्पैक्ट के लिए। ओके मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको नहीं दिखाई जो कि है, मैंने यहाँ पे स्क्रब लिया था, तो इट्स अ पोमिग्रेनेट स्क्रब बाय गुड वाइब्स, एंड मैं इसको काफी अच्छे से यूज कर रही हूँ, तो फॉर स्क्रबिंग आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस कुछ चीजें हैं जो मैं अभी लेके नहीं आई हूँ लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ। ओके फॉर कॉम्पैक्ट आप ये भी यूज कर सकते हो, इट्स अ लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर, इसकी नई पैकेजिंग भी आ गई है तो ये भी काफी अच्छा है, और मेरा इसमें शेड नंबर है नेचुरल मार्बल जो कि मेरी स्किन पे परफेक्टली जाता है। ओके फॉर ब्लश मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये ब्लश लिया है, इट्स अ बिग ब्लश एंड हाईलाइटर 03 शेड है मेरा इसमें, एंड गाइस ये मेरा बहुत प्यारा ब्लश है यार, ये ग्लो देता है ना फेस पे, आई रियली लव, लाइक मेरा भी मन लगाने का इसका मन कर गया, बहुत सुंदर है। 4 शेड्स बेसिकली आपको इसमें मिल जाएगी, ये आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है अगर आपको मेबलिन पे जाना है, हर कोई मेबलिन पे जाना चाहता है, तो मेबलिन का फिट मी ब्लश बहुत अच्छा है, मेरा शेड इसमें रोज है, एंड ये देखो कुछ इस तरीके का है, ये बहुत सुंदर है ये। और यहाँ इसके बाद छे खुरकी का चीकी गर्ल्स ब्लश है मेरे पास यहाँ पर, तो ये आप यूज कर सकते हो, सारे आपके बजट के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठने वाले हैं। इसके बाद भाई साहब हाईलाइटर की ज़रूरत तो बहुत होती है, क्योंकि अभी जो मेरा मेकअप इतना प्यारा लग रहा है, बेसिकली हाईलाइटनिंग मैंने बहुत अच्छे से की है। तो गाइज यहाँ पर मेरे पास ये सिवाना कलर्स का शाइनिंग स्टार शिमर हाईलाइटर ब्रिक, तो बहुत सुंदर है ये, 02 शेड है इसमें मेरा, एंड लुक एट द शेड्स, 5 शेड है इसमें बेसिकली, 5 शेड बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो इससे आप बेसिकली हाईलाइटनिंग कर सकते हो, 4-5 शेड आपको एक बजट के अकॉर्डिंग मिल जाए तो बहुत सही बात रहेगी ना। सो या गाइस बहुत सुंदर पैलेट है ये, आप ले सकते हो। ठीक है फॉर कॉन्टोर मैंने यहाँ पे मियोन का भी ये पैलेट लिया है, तो गाइस इट्स अ प्रो ग्लो पैलेट, 04 शेड है इसमें मेरा, एंड बेसिकली इसमें आपको मेरा ये टूटा हुआ है लेकिन यार मुझे पसंद बहुत है ये, तो यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट के लिए शेड मिल रहा है, एक हाईलाइटर के लिए, 2 बेसिकली आपको कॉन्टोर शेड मिल रहे हैं, जो कि इतने कम बजट में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी डील है, आपको ले लेना चाहिए। सो या नेक्स्ट है ये, मेरे को पसंद है ये। इसे फॉर आईलाइनर मैंने यहाँ पे 3 लाइनर्स पिक किए हैं, फर्स्ट वन इज लैक्मे का इंस्टा लाइनर जो कि ऑल टाइम मेरा फेवरेट है। ठीक है इसमें मेरे पास है गोल्डन, जो कि यहाँ से आप डिजाइन देख रहे हो ना, मैंने एक लाइन कट कर रखी है, इससे कर रखी है। के बाद मेरे पास है ये NYBA का शक्ति लाइनर, इसमें मेरे बहुत सारे कलर्स मेरे पास, एक्चुअली मेरे PR में आया था लेकिन मुझे पसंद बहुत ज्यादा है ये। तो कई बार आपने देखा है हमारा आई मेकअप करने का बहुत मन करता है ग्लिटरी वाला, लेकिन बिगिनर से हो नहीं पाता, तो आप ये ग्लिटर यूज कर सकते हैं। तो ये ब्लू हेवन में भी आता है मेरे पास, ब्लू हेवन का है, स्विस ब्यूटी का भी आता है मेरे पास सारे एक्चुअली इसमें। तो ये आपको क्या करना है, इसे आप अपने इनर कॉर्नर्स को बेसिकली इस तरीके से फिल कर सकते हो, तो गाइस ये भी काफी अच्छा है, 100-200 रुपीज ही आपको मिल जाएगा। ठीक है इसे आईलिड पे भी लगा सकते हो, बहुत सही वाले, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे, सो बिगिनर्स आप ये ले सकते हो, काफी अच्छी डील मिलेगी आपको। ओके सो मैंने यहाँ पे एक चीज मिस कर दी है और आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया, कंसीलर भाई साहब ये तो बहुत जरूरी है। सो गाइज मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, एंड ये बहुत सही वाला कंसीलर है, 02 शेड है इसमें मेरा, एंड कवरेज बहुत अच्छी देता है ये, हल्का सा मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। सी गाइस बहुत सही कंसीलर है, सी डैपिंग मोशन में मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ, कोई भी स्कार वगैरह आपके डार्क सर्कल्स वगैरह है वो बिल्कुल यू नो खत्म हो जाएंगे, बहुत सही है, काफी सस्ता है ये, ले लेना इसको भी। ओके मैं यहाँ पे छाट रही हूँ यार, कभी कुछ मिस ना रह गया हो। टाइम फॉर आईब्राउज,
जो कि इसके बिना मेरे ख्याल से आपका मेकअप अधूरा है। तो मैंने SFR का ये पैलेट लिया है और मेरा वेट एंड वाइल्ड वाला मिल नहीं रहा है, लेकिन डील में मिले तो उसे पक्का ले लेना। वेट एंड वाइल्ड ब्रो आर्टिस्ट किट यार बहुत अमेजिंग है, वो जरूर ले लेना। तो यहाँ पे उसका लिंक मैं डाल दूंगी। बाय द वे SFR का मैंने लिया है तो यार ये बहुत सही है। इसमें आई शेडो पैलेट है बाय द वे ये, तो इसमें ना ये वाला जो और ये वाला जो शेड है ना, मैं इसको आईब्रोज के लिए फिल करती हूँ। अभी मैंने यही यूज कर रखा है अपनी आईब्रोज में, सेंटर से एंड तक ये वाला शेड यूज किया है और बीच में लाइक फ्रंट में मैंने ये लाइट शेड यूज किया है, और बाकी से आप अपना आई मेकअप भी कर सकते हो। सो ये आप यूज कर सकते हो। सो इसके बाद अब बारी आती है आई शेडो पैलेट्स की, जो कि बहुत जरूरी है, उसके बिना हमारा मेकअप अधूरा होता है। सो गाइस यहाँ पर मैंने 3 आई पैलेट्स पिक किए हैं। फर्स्ट वन इज सिवाना कलर्स का ये ऑब्सेशन आई पैलेट, 04 शेड है इसमें मेरा। एंड इसके जो शेड्स है ना यार बहुत सही है, सस्ता है ये, प्लस ये देखो कितने प्यारे शेड्स हैं। बात करें इनकी शेड्स की, काफी पिगमेंटेड है, लाइक फिंगर की हेल्प से भी आप इसको इजिली लगा सकते हो, अच्छे से जाएगा लुक। बहुत सुंदर शेड्स हैं यार इसमें, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। सारी ही शेड्स मैंने यहाँ पे आपको स्वॉच दे रही हूँ ताकि यू नो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। काफ़ी सुंदर सा आई पैलेट है ये आप ले सकते हो। 04 शेड है इसमें मेरा। आफ्टर दैट इसके बाद आप हिलैरी रोडा का भी एक भी आपके बजट में फिट बैठ जाएगा। 02 एंड 01 शेड है इसमें मेरा। जैसे 01 शेड जो कि थोड़ा सा न्यूड की तरफ जा रहा है, एंड 02 55 से कलर्स है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा देती हूँ हाथ पे स्वॉच करके। इसमें आपको बेसिकली ग्लिटरी शेड्स भी मिल जाएंगे और आपको सिंपल शेड्स भी मिल जाएंगे। सी काफी अच्छा पैलेट है ये भी, आप ट्राई कर सकते हो। आई शेडोज के लिए आप ये दो पैलेट्स यूज कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम फॉर मस्कारा। तो मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का ये कॉलोसिल मस्कारा वाटरप्रूफ लिया है, क्योंकि वाटरप्रूफ मस्कारा की हमें जरूरत होती है और ये भी सेल में चल रहा है। मेबलिन का ये ही नहीं, काफी सारे मस्कारा सेल में चल रहे हैं, तो उनके भी लिंक्स मैं डाल दूंगी इनकेस अगर आपको कोई भी परचेज करना हो। नाउ गाइज अब पढ़ते हैं यहाँ पे हम लिपस्टिक की तरफ। तो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे 3 लिपस्टिक्स को पिक किया है। तो फर्स्ट वन है बेला बोस्टे की ये लिपस्टिक, जो कि लिप क्रियोन है, और राइट नाउ मेरे लिप्स पे भी आप देख पा रहे हो। सो इसमें मेरा शेड है ये 08 लिव इन द लाइफ, एंड लुक एट दी शेड। मैंने आज ही इसको ओपन किया है, मेरे को पसंद आया, सो आई थॉट कि मेरे को आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल न्यूड सा शेड। एंड या गाइस मैंने यहाँ पे 2 लिपस्टिक बाय द वे मिक्स कर रखी है, सो काफी अच्छा कलर है ये। इसके बाद मैंने यहाँ ना थोड़ा सा न्यूड शेड्स को ज्यादा प्रीफर किया है, क्योंकि आजकल हर किसी को न्यूड शेड पसंद है। अगर आपको थोड़ा यू नो रेड कलर पे जाना है तो आप स्विस ब्यूटी का मैट कुछ करके लिपस्टिक है वो आप ले सकते हो, काफी अच्छा है वो, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आफ्टर दैट नायका का ये न्यूड लिपस्टिक लिया है मैंने, तो ये बेकअप मेकअप शेड है इसमें मेरा, तो इट्स अ परफेक्टली न्यूड शेड, तो ये भी आप ले सकते हो। मैं ट्राई करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है ये रहा, और काफी अच्छा है ये भी। इसके बाद मैंने न्यूड भी लिया है NYBAE का ये रनवे लिपस्टिक, एंड इसमें मेरा शेड यार NYBAE वाले ना एक कंप्लेंट है मेरी, शेड के नंबर इतने छोटे लिखते मैं को दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें मेरा शेड 4 है और इट्स अ परफेक्टली यू नो न्यूड सा शेड, जो कि अगेन काफी अच्छा लग रहा है। और मेकअप मेकअप शेड और ये वाला जो शेड है ना 4 ट्रिगर है शायद, दोनों थोड़े सिमिलर लग रहे हैं, देखो मैचिंग मैचिंग से लग रहे हैं। तो 4 लिपस्टिक आप ये यूज कर सकते हो। सारा मेकअप करने के बाद उसको सेट भी तो करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से टिका रहे। तो मैंने यहाँ पे सेटिंग स्प्रे लिया है स्टे खुरकी का, और मेरा अभी स्विस ब्यूटी का खत्म हो गया, आप वो भी ले सकते हो, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगी। नाउ इट्स टाइम फॉर पिसपिस। परफ्यूम हमें ज़रूरी चाहिए होता है, क्योंकि हमारे अंदर से एक बढ़िया सी स्मेल भी तो आनी चाहिए। सो गाइस मैं जा रही हूँ भी परफ्यूम लेने। सो मेरा स्टूडियो रूम अभी पूरा मैस है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि परफ्यूम्स के लिए मैं आपको क्या क्या सजेस्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो फेवरेट परफ्यूम्स हैं वो मैंने रखे हुए हैं। एंगेज का ये वाला यैंग आप यूज़ कर सकते हो गाइस, ये स्मेल्स बहुत अमेजिंग। वाओ कैसे बोल रही हूँ मैं। तो ये ऑरेंज वाला काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट एंगेज का मेरे को ये वाला भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाला है फैम का और कुछ इस तरीके से पिंक पिंक है ये। थोड़ा सा मैं आपको बोलूँ तो ये थोड़ा सा ना फ्रूटी वाली फीलिंग्स देंगे दोनों ही आपको। इसके बाद आप जा सकते हो फोक के परफ्यूम पे, जो कि आई एम क्वीन है और मेरा ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। दिस इज ऑल्सो यू नो वेरी वाला गुड वाला परफ्यूम। तो ये ड्रेस पेरी का ब्लश परफ्यूम सॉरी स्प्रे है, बॉडी स्प्रे, और ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो बस परफ्यूम्स के लिए मैं आपको इतना ही सजेस्ट करूंगी। सो गाइस रियली होप ये कि आज की वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा। आपने वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूंगी। सो मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।